Hey, what's up everyone, welcome back to another brand new video. It's 5th of January 2023 and aaj humne baat karni hai ji design trends ki, jo ki mere hisab se lagta hai ki 2023 mein boom kar jayenge, because already 5 din ho chuke hain. 5 dinon mein jo bhi community mein ya design community mein ya international national community mein baat cheete ho rahi hain, wo kafi zyada bata deti hai ki 2023 mein kya jo hai design trends यहाँ पे अपस्किल करने वाले हैं. एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट 5 डिज़ाइन ट्रेंड्स जो कि आपको लुकअप करने हैं, आपको इनके बारे में रिसर्च करनी है, आपको ये सीखने के कैसे करने हैं, सो यू कैन लाइक किक ऑफ 2023 इन योर डिजाइनिंग करियर. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जंप इनटू डिज़ाइन ट्रेंड्स 2023. सो द फर्स्ट डिज़ाइन ट्रेंड हियर इन 2023 इज द क्ले लुक, एंड दिस इज बेसिकली अ 3D फोकस्ड डिज़ाइन ट्रेंड. बट इफ़ यू आर रियली अ डिज़ाइनर और आपको जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं ऐसे रेंडर सॉफ्ट वाले, सो वी कैन जस्ट जंप इन टू क्ले लुक. दिस इज़ नॉट बेसिकली दी मडी और जो सैंड वाले रेंडर्स हैं हम देखते हैं. दिस इज़ लाइक अ न्यू फ्रेश क्ले टाइप लुक जो कि आप अपने किसी भी चीज़ में दे सकते हो, बेसिकली लाइक anything out there. Basically you can use this in posters, in music posters or in like digital art, or काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, बेसिकली आप पे है. एंड काफ़ी ज़्यादा इजी है ब्लेंडर में बनाना. यू कैन लाइक जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब हाउ टू मेक क्ले टेक्सचर और हाउ टू मेक क्ले रेंडर्स इन ब्लेंडर, एंड दिस इज़ लाइक 1 or 2 clicks टेक्सचर, लेकिन ये जो रिजल्ट्स निकाल के देता है दैट इज़ सुपर इनसेन. बेसिकली द क्ले लुक काफ़ी ज़्यादा पुरानी है लेकिन अभी जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ रही है ड्यू टू द NFT कल्चर एंड ड्यू टू द 3D रेंडर कल्चर जो कि लाइक बहुत ज़्यादा फैल ही रहा है 2022 में, 2023 में भी फैलेगा. सो या द फर्स्ट वन हेयर इज़ द क्ले लुक. रियली लुक इन टू इट, गो टू Behance, गो टू एनी वेबसाइट यू वॉन्ट फॉर द इंस्पिरेशन एंड टाइप द क्ले लुक एंड यू विल फाइंड हंड्रेड ऑफ इंस्पिरेशंस. Now let's move to the second trend. Now the second trend which is booming up in 2023 is neon and abstract stickers. Like अगर आप मेरे स्ट्रीट स्टाइल पैक को डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको एक स्टिकर्स वाला अलग से फोल्डर मिलेगा, उसमें जो स्टिकर्स हैं आई एम टॉकिंग अबाउट दोज वंस, क्योंकि ये वाले स्टिकर्स जो हैं 2022 में तो ये ऑब्वियसली किए थे, लेकिन आज 2023 में नियॉन और एब्स्ट्रैक्ट वाले ज़्यादा स्टिकर्स काम आ रहे हैं, बिकॉज आई हैव सीन देम अ लॉट इन दीज 5 days. जिन्होंने भी 2020 जिस लाइक बड़े बड़े डिज़ाइनर्स ने 2023 वाली जो अपनी सेलिब्रेशन वाली पोस्ट होती है वो बनाई है, लाइक 50% ऑफ देम यूज्ड नियॉन एंड एब्स्ट्रैक्ट स्टिकर्स. अगर आपके पास ये नहीं है, गो ग्रैब माई स्ट्रीट स्टाइल पैक, उसमें ये है. एंड बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द नियॉन एंड एब्स्ट्रैक्ट वन, द ग्रंजी और द पेरेंटल एडवाइजरी वाला स्टिकर वो पुराने हो गए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वन, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली चमकदार और जो हाईलाइट करने वाले स्टिकर्स होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज. सो स्ट्रीट स्टाइल पैक में अवेलेबल है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप गूगल भी कर सकते हो या फिर यू कैन लाइक जस्ट कमेंट डाउन बिलो अगर आपको इस पे पैक चाहिए वो मैं बना दूंगा, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ आइडिया ऑन दी स्टिकर्स, मैं बना सकता हूँ खुद अपने हिसाब से. एंड या द सेकेंड ट्रेंड वॉज नियॉन एंड एब्स्ट्रैक्ट स्टिकर्स. Now let's move to the third one. So देखो यार, हर साल की तरह इस साल भी एक रेट्रो विंटेज स्टाइल डिजाइन ट्रेंड जो है वो दोबारा रिवाइव हो गया है, वो दोबारा सेज ने उसको रिवाइव कर दिया है, एंड दैट इज द 70s रेट्रो इफेक्ट. देखो 70s, 80s एंड 90s, ये तीनों के डिजाइन ट्रेंड जो है वो अलग अलग है, जो कि 90s वाला हमने ऑलरेडी देख लिया, 80s वाला भी हमने ऑलरेडी देख लिया, लेकिन 70s वाला रह गया था, एंड दैट इज़ 70s फ्लैट डिज़ाइन जो कि सीधी सीधी लाइंस थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी. और ये 2023 में 70s की बारी है, द 1970s उस टाइम में क्या फ्लैट डिज़ाइन थे लाइक वो आप लुकअप कर सकते हो, लेकिन ये वाले फ्लैट डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ईजी लगते हैं बनाने में, लेकिन दे आर सो हार्ड टू फिगर आउट. बेसिकली इट्स योर चैलेंज, इट्स योर पैशन कि आप इसको कैसे कर सकते हो कॉम्प्लाई इन योर डिज़ाइन जर्नी और आप इसको कैसे बना सकते हो, लेकिन द 70s डिज़ाइन ट्रेंड इज हेयर टू स्टे इन 2023, सो यू शुड रियली लुक इनटू इट. So the fourth trend here is not basically a trend, it's a typography, it's a font selection. Basically the artistic serif fonts are like really booming up this year, like I'm talking about fonts like Clarista, Lavera or Diamond Sparkling fonts like these. This is basically serif fonts and these are basically booming up in the community because ye jo hai har ek logo design ke sath chalte hain. Because see, if you design a leaf logo, they just put name leaf in Clarista font and you got branding. And if you design a Ayurvedic logo or a plant logo, anything like that, you can use these. And basically these are
लाइक एवरग्रीन सेरिफ फॉन्ट्स जो है वो काफी ज्यादा लग्जरी लगते हैं, काफी ज्यादा आर्टिस्टिक लगते हैं, एंड ऐसा मुझे लगता है कि यार ये काफी फ्लैट डिजाइन है. दिस एड्स अ टिंगली टैंगी लुक इन योर डिजाइंस, एंड ये 2023 में ज्यादा बूम अप कर रहे हैं बिकॉज 2022 में जो लोगो डिजाइन आते थे, जो ब्रांडिंग आइडेंटिटीज आती थी, दैट वॉज बेसिकली फोकस्ड ऑन हेलवेटिका एंड बेसिकली फोकस्ड ऑन हेलवेटिक सैंस फॉन्ट, बट दिस ईयर इज फॉर सेरिफ्स. एंड या द फोर्थ ट्रेंड वॉज आर्टिस्टिक सेरिफ फॉन्ट्स. Now let's get to the last and fifth point. So the fifth and the most interesting design trend in 2023 is soft gradients and blurs. जी हाँ, आपने 2022 and 1 में glass morphisms और glass textures वाले designs तो देखे थे, लेकिन this is like combination of morphism and gradients. You can say this is a combination of noise, textures, ग्रेडियंट्स एंड ग्लास मॉर्फिज्म. लाइक सब कुछ पैक करके आप एक ग्रेडियंट को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस इज सॉफ्ट ग्रेडियंट्स एंड ब्लर्स. अपने सॉफ्ट क्लीन डिजाइन में आप इसको यूज कर सकते हो. बेसिकली यू कैन लाइक से दिस इज माई फेवरेट वन, जैसे काफ़ी ज़्यादा सूदिंग लगते हैं आंखों को. एंड द थिंग इज एवरीबडी कैन ग्रेड इट प्रेटी ईजली अगर आपको टेक्निक पता है. मैं ये ट्यूटोरियल नहीं दे सकता बिकॉज दिस इज नॉट ट्यूटोरियल वीडियो, बट इन द अपकमिंग फ्यूचर आई कैन इफ यू वॉन्ट टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड दिस वॉज द फिफ्थ ट्रेंड ऑफ 2023, सॉफ्ट ब्लर्स एंड ग्रेडियंट्स, एंड दैट वॉज अबाउट द डिजाइन ट्रेंड्स 2023. So yeah, that's about today's video. I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी तो drop a like and a very happy new year 2023. I hope ये वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, health wise भी and आपके growth wise भी. So yeah, that's about today's video. These was the design trends 2023. Make sure to lock on them. Make sure to look up for the trends. आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए if you really want to kick in 2023. मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में. I'm late. Signing out.